हेलो गाइस, वेलकम टू दिजिटल न्यूज। तो गाइस, आज हम बात करेंगे स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम से रिलेटेड काफी कमाल के अपडेट के बारे में। तो जैसा कि आपने मेरा टाइटल और थंबनेल तो देख ही लिया होगा कि स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम 1 बिलियन कंप्लीट कर चुकी है। सोनी और मार्वल के बीच में एक डील हुई थी कि अगर स्पाइडरमैन मूवी फार फ्रॉम होम 1 मिलियन कंप्लीट नहीं कर पाती है तो मेकिंग के राइट्स सोनी के पास आ जाएंगे, और बाकी सारे राइट्स तो सोनी के पास है ही है। पर हुआ क्या, स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम जो कि एमसीयू के अंडर बनी थी वो ऑल टाइम सारी मूवीज से बेस्ट रही। यानी कि स्पाइडरमैन की जितनी मूवी रिलीज हुई जो कि सोनी ने बनाई थी और जो एक एमसीयू ने बनाई थी वो सबसे टॉप पर रही। तो उसका मतलब मेकिंग के राइट्स अब एमसीयू के पास आ चुके हैं और आने वाला फ्यूचर स्पाइडरमैन का और अच्छा होने वाला है। और स्पाइडरमैन ने जो अचीवमेंट पाया वो तो बहुत बड़ी बात है। और देन सबसे पहला अचीवमेंट तो आप भूलिएगा मत, जो कि था अवतार वर्सेस एवेंजर एंड गेम का, जो कि एवेंजर एंड गेम ने तोड़ दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2019 में मार्वल की 3 मूवी रिलीज हुई जो कि तीनों मूवी 1 मिलियन क्रॉस कर चुकी हैं, जिसमें कैप्टन मार्वल, स्पाइडरमैन और एवेंजर एंड गेम तो 2 बिलियन क्रॉस करी है। तो बहुत बड़ी बात है, मार्वल को मैं कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूंगा, आज मैं ट्वीट भी करूंगा स्पेशली, और ये बहुत बड़ी बात है। और आने वाला फ्यूचर स्पाइडरमैन का बहुत अच्छा होने वाला है और बॉक्स ऑफिस पर ये रिपोर्ट जल्दी अपडेट हो जाएगी। तो गाइस, कैसा लगा अपडेट, कैसा लगा वीडियो? अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हो पेज को लाइक करें। रियली मां कोई वीडियो पसंद आ तो प्लीज लाइक करें, शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देखो या तो उस पर स्पाइडरमैन के हाथ मारो या पैर मारो, पर और कुछ मत मानना। बाय बाय, जा रहा हूं।